नमस्कार। भाग्य वास्तु में मैं धीरेन्द्र शाह। कई परिवारों में संतान के लगती बहुत सारी समस्या होती है कि लड़के लड़की का मैरिज नहीं होता है, या तो मैरिज हो गया उसकी मैरिज लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, डाइवोर्स हो गया, लड़की वापिस आई, ऐसे बहुत सारी समस्या है। अपने लड़के के 30 साल की हो गए, मैरिज नहीं हुआ, मैरिज के लिए बहुत सारे मेहनत करते फिर भी अच्छे लड़का नहीं मिलता। ये सब संतानों की मैरिज की समस्या जब बढ़ती है तब माँ बाप बहुत टेंशन में रहते हैं। तब भाग्य दिखाने के लिए इन कुंडली देखते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ विधि विधान करते हैं, फिर भी उसका भाग्य का उदय नहीं होता है और डिले टू डिले होते हैं। इसमें मैं एक बात खास कहना चाहूँगा कि अगर जिस परिवार में ये समस्या मैरिज के लिए नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए नहीं समस्या, तब अपना वास्तु बराबर है कि नहीं वो आप देख लीजिए। जब मैरिज के लिए जब भी समस्या रहती है तब मकान के अंदर, रेसिडेंस के अंदर, नैऋत्य कॉर्नर और पूर्व दिशा में, दो दिशा में वास्तु दोष जितना ज़्यादा रहेगा तब संतानों की मैरिज लाइफ के तो मैरिज के प्रॉब्लम रहेंगे, ये बात भी कंफर्म है। आप अपने मकान के पूरा चेक करके वास्तु के हिसाब से सुधार कर लीजिए, उसमें नैऋत्य कोण का जो भी वास्तु दोष है उसको अच्छी तरह सुधार कर दीजिए और पूर्व दिशा का वास्तु दोष सुधार कर लीजिए, तो आपकी ये समस्या जो है ये समस्या का निकाल हो जाएगा। बच्चों के संतानों की मैरिज लाइफ अच्छी बनेगी और अच्छी चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने संतानों की मैरिज लाइफ का भाग्य अच्छी तरह बनाना चाहते हो और अच्छी तरह उसको सुखी देखना चाहते हो तो अपने मकान का नैऋत्य कॉर्नर और पूर्व दिशा का वास्तु सुधार कर लीजिए और आप अपने बच्चे को सुखा करिए, आप अपने नज़र के सामने देख सकते हैं। आपके मकान के जो मैरिज के जो भी प्रश्न है, परिवार में जो भी प्रश्न है, वो फक्तन फक्तन नैऋत्य दिशा और पूर्व दिशा के साथ में ही जुड़ी हुई है, उसका वास्तु दोष आप क्लियर करवा दीजिए और आप सुखी रहो। नमस्कार।